हमें दिखा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा ना उस पे मेरा नजर गया है, और जैसे ही वो हमें देखा है ना, वो पता नहीं उसके अंदर चला गया है। अब इसके अंदर गया है कि उसके अंदर गया है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, तो आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, सुबह की बज रही है 8 और अभी हम जा रहे हैं चापाकल साइड बरस करने के लिए। और गाइस, इतना सुबह ना हम नहाते नहीं है, आप लोगों को पता ही, नहा लेते हैं बट पूजा ना थोड़ा लेट उठा है। अभी ना मंदिर साइड बहुत ज्यादा भीड़ लगी है, बहुत, इसीलिए हम सुबह ना कभी नहीं जाते हैं पूजा करने के लिए। तो जो काम करने आए पहले वो करते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। सुबह 4 बजे उठे थे ना, उस टाइम पे थोड़ा नींद खुल गया था, तो हम बाहर निकल रहे घूमने के लिए। तो देख रहे हैं ना, उस टाइम पे बारिश टपक रही थी, मतलब हल्की हल्की झीसी जैसे होता ना वैसे ही, सलो सलो। और अभी सुबह सुबह धूप आ गई है। आर्य स्नान ना कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है हम नहा कर कहाँ जाते हैं। पूरे 200 प्लस वीडियो डाल दिए हैं, और हमारा स्टार्ट और दिखाना जो अंदाजे ना, बस एक पूजा का समय पे हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। और गाइस, आप लोगों को ना अभी बात नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम आप लोगों को बताते नहीं अच्छे से। हम पहले से ना सोच के नहीं रखते हैं कि हमें कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। जो अच्छा लगता है हम वो दिखाते रहते हैं डेली, कुछ भी फेक नहीं है, सब मेरा रियल है। और ना ही हम आप लोगों को फेक कभी दिखाते हैं ऐसा, मतलब सॉरी, एक वीडियो है जिसमें हम आप लोगों को ना फेक दिखा चुके हैं, बट वो हमसे ना कंप्लीट नहीं हुआ, ना ही हम अच्छा से उसमें बोल पा रहे हैं। फिर ज़्यादा ना समय भी हो गया है, तो अभी हम निकलते हैं पूजा करने के लिए। और गाइस, आप लोगों को पता है हम इतना लेट क्यों करते हैं नहाने में, क्योंकि हमारी फैमिली ना बहुत लंबी है, बहुत, तो सबको स्नान करना पड़ता है, सबको नहाना धोना पड़ता है, तो सब थोड़े ना टाइम टाइम पे वो करते रहते हैं। तो इसीलिए हम सबसे ना या बीच में या पीछे नहाते हैं, ऐसा ही हमें कुछ करना पड़ता है, इसीलिए इतना ना टाइम लग जाता है। सभी ना वहाँ पे हम मिट्टी उठा रहे थे, और हमें लगा है ना कि कुछ देख के हमें ना, मतलब हमें देख कर यहाँ से ना भागा है कुछ, तो भागा है कुछ, क्योंकि काफी तेज ना साउंड आया इधर से। और ऐसा बात नहीं है कि ऐसे पहली बार हो रहा है, बहुत बार हो चुका है हम लोग के साथ। और गाइस, हमें ना दिखाई भी नहीं दिया उसका, पता नहीं कितना वो रनिंग तेज था उसका। यहाँ पे खड़ा हम वहाँ से ना मिट्टी ऐसे झुक के उठा रहे थे, और इधर पता नहीं कहाँ पे चला गया, इतना ज़्यादा घना है ना झाड़िया, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हमें दिखा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा ना उस पे मेरा नज़र गया है, और जैसे ही वो हमें देखा है ना, वो पता नहीं उसके अंदर चला गया है। अब इसके अंदर गया है कि उसके अंदर गया, किसके अंदर गया पता नहीं चला, कहीं भी छीप सकते हैं। ऐसा हम इधर से ना जब पूजा करके गए है ना, तो हमें ना कुछ दिखा है, और हमने कल भी किया था और आज भी करने आ गए, पता नहीं कौन सा, मतलब कैसे वो गिर जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो ये है मिट्टी कोड़ने वाला, और इससे ना हम उसको फिर से अच्छे से अभी ना वहाँ पे लगाने वाले हैं, वहाँ पे नहीं दूसरा जगह चेंज करेंगे। एक बार ना आप लोग को दिखाते हैं, काफी तेज ना धूप लग रही है, तो पेड़ के छांव में आ जाते, बहुत धूप लग रही है, थोड़ा सब्र करिए, आप लोगों को दिखाते हैं क्या चीज़ है। जो पौधा लगाया है ना वो नहीं है, लोग सहजन खाए हैं उसका सब्जी बनता है, और वो ना खुद से लगता है, मतलब उसका जो बड़ा सा कोई भी डांगी होता है ना, उसको तोड़ के और आप कहीं भी उसको लगा सकते हैं, वो लग जाता है, और वो सिर्फ बारिश के समय पे। ऐसे तो पानी हमें डेली डालना पड़ता है ना, तो उस टाइम पे वो नहीं लग पाता है, अगर बारिश होता है तो उस टाइम पे लग जाता है। और वैसे ही ना हमें एक डांगी मिला हुआ है, तो हमने लगाया था यहाँ पे मंदिर के पास, और वो ना पता नहीं कैसे गिर जा रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन से लगा रहे हैं, 2 दिन से गिर जा रहा है। अभी बात कर रहे हैं हम इसी डांगी का, ये सिर्फ ना लकड़ी है, और इसको आप लोग लगाएंगे ना तो इसमें ना हरियाली मतलब आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये बारिश के समय पर ना ये लग जाता है, और 2 दिन से देखिए इधर भी, अब बिना सिर्फ ये लकड़ी था, और यहाँ पे जड़ भी आना स्टार्ट हो गया था, और पता नहीं कैसे गिर गया। अगर ना चेंज करते हैं,
हम लगाएंगे इधर, लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे ना ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लगाने से पहले ना थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें फल ना खुद अपने आप ही मिलता है। बस सिंपल सी बात है, एक बार हम लगाएं फिर हमें हर साल खाने के लिए मिलेगा इसमें से सब्जी। हमें तो एक ही बार ना मेहनत करना है, जब तक ले ये पेड़ रहेगा तब तक ले हमें देता रहेगा खाने के लिए हर साल, जब इसका सीजन आएगा सब्जी खाने के लिए। आप देखिए हमने गड्ढा कर दिया, थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है खनने में, बट फिर भी कम्प्लीट हो गया। नहीं लग रहा ना कि ये अब गिरेगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत कर दिया है इसको लगाने में। अभी मेरा फ़ोन भी गर्म हो गया है और हम भी गर्म हो गए, तो हम दोनों ना अभी निकलते हैं हवा लेने के लिए घर पे। का पता ना घर पे बिजली ना हो, वो भी एक ना बड़ी मुश्किल है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे भी चल रही है प्यारी प्यारी हवा, फिर उसके बाद घर पे निकलते हैं बस। आई शाम को बज रही है 5:30 और अभी हम ना निकले हैं बाहर घूमने के लिए। थोड़ी देर पहले ना आप लोग सोच नहीं सकते कि कैसे बारिश हुआ है, धूप और बारिश दोनों साथ में। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? क्या नहर पे? नहर पे थोड़ी जाना है हमें, बहुत दूर है, तुम्हारा पैर दर्द करेगा। हम मजाक किए हैं, हम बोले थोड़ी है कि जाएंगे, नहीं जाना है। और गाइस बोलिए कि नहर पे जाना है, यहाँ से नहर पता है 1 किलोमीटर है। हम लोग का पैर, मेरा नहीं मतलब तुम्हारा पैर दर्द करेगा, पैर तुम्हारा छोटा है ना। हाँ ठीक है, बड़े हो जाओगी तब ना, अभी तो दुखाएगा ना चलने में, और काफी दूर है और रात भी हो जाएगा हमें आने में उधर से। गड्ढा का पानी सूखा है देखो तो पहले। अब भी मिट्टी गीली है वहां पे। क्या कल चलेंगे मिट्टी में? और गाइस इधर देखे कितना बड़ा बड़ा घास लग गया, देख रही हो संजना? और पहले हम लोग आ रहे थे ना तो पूरा जला, मतलब गर्मी के समय पे तो पूरा जल जाता है घास, देखो वो बड़ा वाला। इधर अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ ग्रीन मिल रहा है देखने के लिए। और अभी बारिश की वजह से ना, क्या वो नाम नहीं है वहाँ पे ना ऐड किया गया है, मतलब प्रचार किया गया है दवा के लिए। वो कहीं पे वो दवा होगा, मतलब मेडिकल होगा, उसका ना प्रचार किया गया कि अगर हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे जाएंगे पढ़कर, जो भी मतलब प्रॉब्लम होगा। सभी ना जो वाइट से लिखा हुआ है ना वही हमसे पूछ रही है कि क्या चीज है। और देखिए कितना मस्त लग रहा है दोनों साइड, इधर भी घास और इधर भी घास, और बीच में मिट्टी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग डेली आते हैं, इसीलिए अगर नहीं आते ना तो फिर भी यहाँ पे लग जाता घास। ठीक है संजना, यहाँ पे सुबह से लगाई शाम तक लोग आते जाते रहते हैं हर टाइम। और गाइस ये देखिए, ये हमें लग रहा है ना, अच्छा हाँ ये न्यू ट्रेन है ना वंदे भारत, वही अभी जा रही थी इधर से, घूम लिया हम लोग। और डेली हम लोग क्या करते हैं इसमें, कुछ भी तो नहीं है घूमने के लिए। तुम डेली बोलती रहती हो कि चलते हैं इधर घूमने के लिए, तुम बोलते। हम कहाँ बोले नहीं, बोलते नहीं।
अभी मंकी आएगा ना तो तुमको पकड़ के ले जाएगा। अरे गिर जाओगी, आराम से चलो। हम है ना, भगवान। हाँ भगवान है बजरंग जी। कुछ भी कर नहीं करते हैं। हाँ कुछ भी नहीं करते हैं। चीज ले ले जाओगे ना तो खाएंगे। हाँ कुछ भी नहीं लेगा ना तो सिर्फ खाएंगे और हम लोग को काटेंगे नहीं। ये भी अच्छी बात है, तुम्हें सब पता है। गाइस हम लोग का जो डेली का घूमना फिरना होता है वो हमने कर लिया है, तो अभी हम निकलते हैं घर पे। क्या छत पे? छत पे नहीं, छत पे बहुत दिक्कत होता है इनको चढ़ाने में, क्योंकि हम लोग का ना वो सीमेंट का ना सीढ़ी नहीं है, वो पुराना सीढ़ी है, बहुत ज़्यादा पुराना, वो भी ना लोहा का है, और काफ़ी दिक्कत होता है इनको चढ़ाने में हमें।